इसे इंग्लिश इंग्लिश में आज हम पढ़ रहे हैं ऐसे द पीकॉक यानी नेशनल पीकॉक नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय बर्ड्स पक्षी पीकॉक मीन्स मोर यानी नेशनल बर्ड पीकॉक यानी इसका नाम द पीकॉक भी हो सकता है और द नेशनल बर्ड पीकॉक से भी आ सकता है नेशनल मीन्स क्या होता है राष्ट्रीय क्या होता है राष्ट्रीय बर्ड मीन पक्षी पीकॉक मीन्स राष्ट्रीय पक्षी मोर इसके बारे में आपको इंग्लिश में एक ऐसे यानी उसके 10 वाक्य उस पर लिखने हैं तो देखिए सबसे पहले PEACOCK पीकॉक PEACOCK पीकॉक पीकॉक IS इज पीकॉक इज VER बाय वेरी BEAUTIFUL ब्यूटीफुल BEAUTIFUL तो पीकॉक इज वेरी ब्यूटीफुल पीकॉक मीन्स क्या होता है मोर वेरी मीन्स बहुत ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर यानी मोर एक सुंदर पक्षी है मोर एक सुंदर पक्षी है वाक्य दूसरा सेंटेंस PEACOCK पीकॉक PEACOCK पीकॉक इज ओ यू आर ओवर ओवर मीन्स हमारा N A T I O N A N national means राष्ट्रीय B I R D bird means पक्षी peacock is our national bird peacock is our national bird and मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है यानी भारत सरकार ने इसको हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर रखा है जैसे लाइन आई है पीकॉक इज ओवर नेशनल बर्ड मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है आई ए टिट अब टिट किससे संबंधित है मोर से इज टी एच द के आई एन जी किंग ओ एफ ऑफ बी आई आर डी एस बर्ड इट इज द किंग ऑफ बर्ड यह पक्षियों में सबका राजा है यानी जितने भी पक्षियों है पक्षियों में इसका राजा क्या है मोर इट इज द किंग ऑफ बर्ड्स इट इज किंग ऑफ बर्ड्स इट आई टी इट आई एस इच ए वी ई ए एच ई ए बी वाई हेवी बी आई आर डी एस बर्ड्स इट इज ए हेवी बर्ड्स अब हेवी मीन्स क्या होता है भारी क्या होता है भारी बर्ड मीन्स क्या होता है पक्षी इट इज ए हेवी बर्ड मोर जो है वो एक भारी पक्षी होता है क्या होता है मोर भारी पक्षी है आई टी इट डी ओ ई एस डच डी ओ ई एस डच एन ओ टी नॉट नॉट मीन्स नहीं F L by fly, fly means udna in the sky, आसमान में. तो it does not fly in the sky. यह आसमान में नहीं उड़ सकता. क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि वजन में क्या होता है? भारी होता है. भारी होने के कारण यह आसमान में नहीं उड़ सकता. केवल छोटी दूरी तक ये उड़ सकता है. तो it does not fly in the sky. Sixth number, it's नेक N E C K नेक नेक मीन्स क्या होती है गर्दन इज L O N G लॉन्ग L O N G लॉन्ग तो इट्स नेक इज लॉन्ग नेक मीन्स क्या होती है गर्दन लॉन्ग मीन्स क्या होती है लंबी इसकी गर्दन लंबी है यानी इसकी गर्दन जो है वो लंबाई में क्या होती है ज्यादा होती है I T S इट्स E Y T S आइट्स इट्स आइट्स A-R-E-R, S-M-A-R-E-R, small. Eye means आंखें, small means छोटी. यानी उसकी आंखें क्या होती है? छोटी होती है. मोर की आंखें छोटी होती है. Its eyes are small. आठवां सेंटेंस है हमारा It has a C-R-O-W-N crown. O and on, I-T-S, its H-E-N-E head.
क्या बोलते हैं क्राउन, क्राउन यानी मुकुट होता है उसका, क्या होता है मुकुट। इट हैज ए क्राउन ऑन इट्स हेड, यानी उसके सिर पर उसका मुकुट होता है। लंबा सेंटेंस है, टी एच द एफ ई ए टी एच ई आर फीदर, फीदर मींस क्या होता है पंख, क्या होता है पंख। ओ एन ऑन इट्स टी ए एल टेल, टेल मींस पूंछ, आर वेरी ब्यूटीफुल, उसकी पूंछ के जो पंख होते हैं आर वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर होते हैं। मोर के पंख देखे होंगे आपने, लोग घरों के अंदर मोरों के पंख रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी बनावट और डिजाइन क्या होती है बहुत ही सुंदर होती है। इसमें वाक्य लिखा हुआ है द फीदर ऑन इट्स टेल आर वेरी ब्यूटीफुल, उसके पंख के, उसके पूंछ के जो पंख होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। और अंतिम है पीकॉक डांसेस इन द रेन, डांस किस नृत्य करना, रेन मींस वर्षा या बारिश, जब बारिश होती है तो मोर क्या करता है डांस करता है, तो पीकॉक डांस इन द रेन, बारिश में क्या करता है नाचता है। तो आपको इन 10 वाक्यों को अपनी कॉपी में उतारना है और इनको याद करना है।